गाइस अभी शाम हो चुकी है और मैं रेडी वेडी हो चुकी हूँ। मैं सजा रहती हूँ तो थोड़ा बिंदी बिंदी लगा लेती हूँ और मैं अभी जा रही हूँ नीचे। लड्डू नीचे ही है, सब नीचे हैं तो नीचे मिलवाऊँगी। अभी शाम को दीदी दीदी से भी मिलेंगे तो उन सबसे भी मिलवाऊँगी और क्या, बस ऐसे सब जो है सब आपके साथ शेयर करेंगे। सो ये इन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि मैं तुम्हारा वीडियो में कोई भी लड्डू पता नहीं कहाँ है। सो ये है मेरी है, ओवरऑल कुछ ऐसी है, अच्छी सोसाइटी है, फाइन। लड्डू दिख नहीं रहा है, पता नहीं किधर है। ये गीला कैसे हुआ है, बारिश हुई है क्या इधर? आई डोंट नो। वो गली जो मेरे घर के जस्ट बाहर लगती है और यहाँ पे मल्टीपल वैरायटी ऑफ फूड अवेलेबल है, बहुत ही टाइप के और बहुत तरह तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे। हम लोग लड्डू को ढूंढ रहे हैं, पापा के साथ आया था, पता नहीं दिख नहीं रहा कहाँ है। एक है फाइनली जिसका था हमें इंतज़ार बेसब्री से, यहाँ का डोसा बहुत ही टेस्टी होता है। क्यों मैं ये ना खाऊं कोई नहीं सकता। मैसूर मसाला डोसा बहुत ही अल्टीमेट टेस्ट है इसका, बहुत गजब। मेरा मुंबई आने का रीज़न ये भी होता है कि मुझे यहाँ का खाना बहुत पसंद है। आओ चलते हैं, तो ले लेना ना, लेके चले आना। मैं बड़ा पाव भी लिया है, मुझे यहाँ का बड़ा पाव भी बहुत पसंद है। इन्होंने नहीं लिया, पता नहीं क्यों, ये मुंबई के ही है उनको इतना। या तो एक दिन में कह रहे हैं मैं एक ही दिन में सब नहीं खाऊंगा, मैंने कहा मुझे थोड़ा थोड़ा सब ट्राई करना है। मैंने बड़ा पाव खा लिया, बहुत मज़ेदार था। और खाओगी कुछ? ये सिर्फ वीडियो में ऐसा बोल रहे हैं, वरना ये बहुत वैसे बोल रहे थे अभी उल्टा पुल्टा। ये वीडियो में ऐसा पूछ रहा है कि और कुछ खाओगे, अदरवाइज अभी मेरे को बहुत सुना रहे थे। बढ़िया बढ़िया सेव पूड़ी खिलाता हूँ, ऐसे सेव पूड़ी कहीं भाई, मुझे पता है वहाँ जाते हैं एक सेव पूड़ी खिला देते हैं, है ना। मेरा बचपन से वहीं खा रहा हूँ, बहुत फेमस बना था। अभी हम लोग लड्डू और मम्मी को ढूंढ रहे हैं, इन्होंने गेट नहीं बंद किया है और हमारे पास घर की चाबी नहीं है और हम लोग स्कूटी लेके भी नहीं आए तो हम आगे कहीं दूर नहीं जा सकते। इंतजार किसको करूँ, प्रेस किया पर लो। तो ये रही सामने मेरी बिल्डिंग, ये जो है ना ये मेरी बिल्डिंग है, अरे मतलब जिसमें हमारा फ्लैट है, ये पूरी हमारी बिल्डिंग नहीं है। इधर मैंने ब्लैक काला खट्टा सोडा लिया है तो बस मैं वही अपना पीने जा रही हूँ। मॉल जा रहे हैं कचड़े से निकल निकल के, ये कह रहे हैं बड़ा साफ सुथरा है, मैंने कहा बहुत ज़्यादा ही साफ है। सो बस आ चुके हैं मॉल जो कि चार कदम पे। यार कितना अच्छा है ना, ऐसा दिल्ली में भी होता कि मेरे घर से चार कदम पे मॉल होता जहाँ बड़े बड़े अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, फूड कोर्ट है, थिएटर है, सब कुछ है ऑलमोस्ट। अंदर चल के मिलते हैं, मैं पता नहीं कौन सी ज़िंदगी में खरीदूँगी, जब ये अलाउ करेंगे तब तो खरीदूँगी ना। ये तो मेरे को कुछ लेते ही नहीं है। आई थिंक हर बीवी की यही शिकायत रहती है कि पति कुछ करता नहीं है, पति बेचारा क्या करे, जान दे दे। अभी आने वाले हैं यहाँ पे राजन और शिबू, यानी कि मेरे चाची का लड़का है राजन, वो आने वाला है तो अभी हम उससे मिलेंगे। और मेरी जो बहन है ना वो एकदम से मतलब ही हो चुकी है, मैं सुबह पहुँची हूँ यहाँ, उसे कोई मतलब नहीं है कि उसकी बहन आई हुई है,
तो वो मूवी देखने में मस्त है। सो ऐसे मतलब ये बहन किसके किसके पास है ज़रूर बताना। ए राजन भाई आ चुके हैं फाइनली, ये खुश रहो खुश रहो खुश रहो। और ये बहू रानी आ रही हैं। हेलो बहू रानी, एकदम सच धज के आ रही है बहू रानी। अरे खुश रहो, भगवान माता रानी बनाए। सोचो इतनी संस्कारी बहू किसी को मिलती है? हमारी तो सर पे क्यों रखी हो, अरे हटाओ यार यार, ये सर पे रख के आई, वही मैं इसको कह रही हूँ सर पे रखने की क्या जरूरत है। और बताओ, बढ़िया आपसे मिल के बहुत अच्छा लग रहा है। हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं ना। गाँव के बाद में लग रहा है अब मिल रहे हैं, बर्थडे के हाँ मार्च के बाद से अब मिल रहे हैं। तो ये है बड़ी बहू रानी और छोटी कुजन लखनऊ में। और ये आज हम बोल रहे थे कि पहली बार दीदी लोग से मिले थे, दोबारा भी ऐसे ही टहल रहे थे घर के पास। बाबा नहीं ये आ जाओ, मैं मामी कहाँ है, मामी मामी कहाँ है, वो देखो मामी क्या मामी क्या कर रही है। शुभम उबम भी उधर से हैं। सो गाइस हमारी इधर सैंडविच आ चुकी है, मैं इनसे बोल रही हूँ चाय भी ले आओ। तो लड्डू लाल उधर है आ रहे, वो लोग भी आ ही रहे हैं। ए लड्डू जाने तो बैठो यार। हाँ ना इन लोगों का, ये लोग आएंगे, शादी है ना एक जन की। लो राजन लो सिब्बू लो, तो शादी है तो उसी में आएंगे। ज्योति भी आएंगी ना, ज्योति आएगी, मम्मी आएंगी सर। ठंडा हो जाएगा, राजन लो सिब्बू। यार इसके सैंडविच अच्छे होते हैं, खेलने दो। सो गाइस फाइनली यहाँ पे दीदी भी आ चुकी है, जीजू और मोदक भी आ चुके हैं और हम लोग इन्हीं का वेट कर रहे थे। अभी हमने इनफैक्ट खाना भी शुरू नहीं किया, हम लोग ने सोचा कि चलो ये लोग भी आ जाए साथ में खाते हैं। और फाइनली बहुत दिनों के बाद सिब्बू से दीदी भी मिल रही है, मतलब सिब्बू जो है वो राजन की वाइफ है। बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं हम लोगों का, काफ़ी अच्छा ये गेट टुगेदर हो जा रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है हम सबको। मोची पाज मोची पाज, ए मोदक किसके पास आया है बिट्टू? पापा ये खाऊंगा। बोला ना यार क्या बनाया हुआ है, रात में नहीं देखी। लाओ पर्स मम्मा को दे दो, जाओ 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 गिर जाओ, बैठिए इधर से जाओ, आ जाओ आ जाओ जाओ। भैया देखो कहाँ जा रहा है,